अगर आप एक न्यू कंप्यूटर यूजर हैं और आपको ये जानना है कि हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में किसी भी फोल्डर, फोटो, वीडियो या किसी भी तरह की कोई फाइल को अपने कंप्यूटर में हाइड कैसे करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में कुछ इम्पोर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है तो ऐसे में आपको उस डेटा को हाइड कैसे करना है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर में किसी फोल्डर फाइल को हाइड करने के लिए सिंपली सबसे पहले तो आपको माई पीसी ओपन करना है, यानी माई कंप्यूटर में जाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डी ड्राइव सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद मेरे पास कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो मैं सिंपली इन्हें ही आपको हाइड करके आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मुझे इस फाइल को यहाँ से हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए सिंपली आपको माउस से राइट बटन क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर हिडन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी फाइल थी वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। इसी तरह से आप किसी भी फोटो को भी, फोटो वीडियो किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फोटो, जैसे कि मैं यही फोटो ले लेता हूँ, इसको हाइड करने के लिए सिंपली इस पर राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे हिडन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करें। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो था यहाँ से हाइड हो चुका है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो यहाँ से हाइड हो चुकी है। इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर, फोटो, वीडियो को हाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पूरा फोल्डर हाइड करना है तो सिंपली उस फोल्डर पे राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें। इसके बाद हिडन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक पहला मिलता है अप्लाई चेंज टू दिस फोल्डर ओनली, यानी आप इसी फोल्डर पे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इसके अंदर जो भी फोल्डर्स हैं उन पे भी ये अप्लाई करना चाहता है। तो मुझे सारे फोल्डर्स इसके अंदर जो फोल्डर पड़े हैं मुझे उससे हाइड करना है, तो इसके लिए सिंपली आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोल्डर यहाँ पे हाइड हो चुका है। इसके बाद मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे कि कभी कभी हम अपने फोल्डर को हाइड करेंगे तो वो आपको हाइड नहीं शो होगा, जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इस फाइल को हाइड करूंगा, इसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे जाना है, हिडन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हिडन पे किया, लेकिन ये फोल्डर यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके भी साथ हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। इसको हाइड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फोल्डर्स एंड सर्च ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिंपली वी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड ड्राइव्स पे क्लिक होगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डू नॉट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ के जो फोल्डर अभी दिख रहा था वो सिंपली हाइड हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपने जो फोल्डर, फोटो, वीडियो हाइड किया उसे वापस कैसे लाना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद व्यू पे क्लिक करें। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखेगा शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, इस पे सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल हो चुका है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसके वापस लाने के सिंपली इस पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाएं। इसके बाद आपको हिडन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे चेक होगा, इसे अनटिक करना है। इसके बाद अप्लाई करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल, फोल्डर, फोटो, वीडियो को हाइड कर सकते हैं। उसे अनहाइड कैसे करना है ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जान चुके हैं। तो आई होप वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ।